जय हिंद फ्रेंड्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड रिपब्लिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक और एक रिपब्लिक नेशंस है। हमारे देश के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हम इलेक्शन से हम इलेक्ट करते हैं, हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट से लेकर एक सरपंच तक जो है वो एक लोक प्रतिनिधि है, वो सारे जो है दैट इज द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। हम उन लोगों को चुनते हैं क्योंकि वो अपना देश चलाए और हम शांति से अपना घर चला सके। लेकिन ये डेमोक्रेसी का जो मतलब है दैट इज द फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जब ये लोकशाही, जब व्यक्ति पूजा के अंदर, जब ये लोकशाही कोई परिवारवाद के अंदर, जब ये लोकशाही कोई परिवार के पूजा के अंदर जब लिप्त हो जाती है, तब लोकशाही की नींवें हिलने लगती है, लोकशाही का पतन होने लगता है। और यही हो रहा है हमारे देश के अंदर कि जब व्यक्ति पूजा महत्व हो जाए, ये सारे जो हमारे जन प्रतिनिधि है दैट इज अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एक छोटे से गांव का सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वो प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत हो, प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत हो, या चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये सारे जनता के सेवक है, ये सारे हमारे चुने हुए गए सारे प्रतिनिधि है। और ये जब प्रतिनिधि अपने सत्ता के नशे के अंदर, जब ये सारे प्रतिनिधि अपने प्रभाव के अंदर, अपने सारी सत्ता के प्रभाव के अंदर, जब जनता को सब अपनी जो सेवक समझने लगते हैं, जनता को एक डाउन कैटेगरी और जनता के साथ अत्याचार शुरू करना शुरू कर देते हैं, तब लोकशाही का पतन जो है वो निश्चित है, तब लोकशाही की हार है। और हमारे देश के अंदर होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है संसदीय लोकशाही। अमेरिका के लोकशाही से हमारी लोकशाही जो है डिफरेंट है, दैट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकशाही। संसद हमारे देश के अंदर एक विशिष्ट स्थान है, संसद का महत्व तो हमारे देश के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंस, उसके जो सारे डिसीजंस और रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। व्यक्ति से ऊपर होता है एक समाज, और समाज से ऊपर होता है एक राष्ट्र और संविधान, और राष्ट्र और संविधान, और संविधान से भी ऊपर होता है सत्य, और सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश के अंदर कभी कभी सत्य बोलने की जो है वो बहुत बड़ी सजा भी मिलती है, सत्य परेशान भी होता है, कभी कभी पराजित भी होता है। मैं आपको बात यहां पे करना चाहूंगा अर्णब गोस्वामी की, जो एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट है, जो बेबाकी से सत्य बोलते थे और बेबाकी से अपना राइट ऑन फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन का जो यूज करते थे। जब दूसरे जो लोग हैं वो अपने राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, राइट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अपनी फिल्मों के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर जो चाहे वो बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना तो कोई एक्शन होता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वो सारे क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन अर्णब गोस्वामी जो एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार थे, और अपनी बात बेबाकी से रखते थे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को अपने पत्रकारिता के माध्यम से चैलेंज करते थे, वो बोलते थे, कुछ फिल्म स्टार उसके बारे में भी बोलते थे, लेकिन उनको वो सत्य बोलने की सजा जो वो अभी भुगतनी पड़ती है। सनातन धर्म के बारे में वो बोलते थे, राष्ट्र के बारे में बोलते थे, राष्ट्रवाद से वो भरपूर थे, लेकिन आज उनको परेशान किया जा रहा है, सत्य को परेशान किया जा रहा है, सत्य को पराजित करने की अवस्था के अंदर ला दिया गया है, और बहुत ही बड़ा उनको अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हमारे देश की जनता का ये दायित्व है कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे जो सत्य के साथ है, जो राष्ट्रवाद के साथ है, जो सनातन के साथ है, उसके साथ खड़े रहे और उसका मजबूती से उसका प्रचार और प्रसार करें। और जब भी ऐसे लोग जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उन लोगों का समर्थन करें, उन लोगों का अपना जो है वो समर्थन जो साबित करें, और समर्थन के माध्यम से उनके विचारों को और भी मजबूत करें। हमारे देश की न्याय व्यवस्था भी अजीब है कि कभी कभी वो लोग, हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कभी कभी सुआ मोटो लेकर, कभी कभी जलीकट्टू के ऊपर, कभी कभी जन्माष्टमी के ऊपर, दिवाली के ऊपर, या तो अलग अलग जो हमारे सामाजिक, जो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसके ऊपर सुआ मोटो लेकर वो अपने अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर लगा देते हैं।
लेकिन इतना बड़ा जो उसके न्याय व्यवस्था के अंदर इतनी बड़ी जो है वो अर्णब गोस्वामी के ऊपर जो इतना बड़ा जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है राइट, उसको एक केस के अंदर जिस तरीके से माहौल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर जिस अपराधियों के साथ उनको रखा गया है, जैसा उनके साथ सुलूक किया जा रहा है, जैसे हमारे देश के अंदर आतंकवादी के लिए भी हमारे देश के अंदर रात को 2 बजे 3 बजे कोर्ट खुलती है, हमारे देश के अंदर एक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, एक्सप्रेशंस के नाम पर, एक न्यायिक, एक हमारी जो ड्यूटी मतलब एक राइट्स के नाम पर हम आतंकवादी तक को भी अपना जो है वो राइट्स देते, उसको हक देते हैं। तो ये तो हमारे देश के एक सच्चे राष्ट्रवाद जो पत्रकार थे, जो बेबाकी से अपनी बात रखते थे, जो निर्भय होकर ये हमारे ये बात रखते थे और सनातन धर्म के साथ राष्ट्रवाद के साथ एक मजबूत पकड़ बनाकर वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करते थे। लेकिन उनके साथ सरकारों के द्वारा सत्ता के नशे में चूर देश की ये जो जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट्स गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स के द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वो हमारे देश की न्याय व्यवस्था को सुओ मोटो लेकर उसको संज्ञान लेना चाहिए, हमारे देश की जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे देश के अलग अलग जो माध्यमों के द्वारा उनको समर्थन मिलना चाहिए, उनके साथ में खड़े रहना चाहिए, तब हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, हम एक रियल टाइप ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री, द सॉवरिन कंट्री, द सोशलिस्ट कंट्री दैट द वी कैन मेक अवर इंडिया। नहीं तो हम एक व्यक्ति पूजा के अंदर, कोई एक परिवार, कोई स्टेट्स का कोई पर्टिकुलर कोई एक परिवार है वो पूरे स्टेट्स को चलाता है, कोई एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है वो पूरे समाज को चलाता है, ये जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ये खतरनाक साबित होने वाला है। डेमोक्रेसी की नींव हिलेगी, डेमोक्रेसी का जो है वो पतन हो जाएगा हमारे देश के अंदर। राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो व्यक्तिवाद से, व्यक्ति पूजा से उठिए, राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो परिवारवाद से ऊपर उठिए, राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सनातन के साथ खड़े रहे, राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम हर हमेश जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर उसका सपोर्ट कीजिए, उसको साथ दीजिए जो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, सनातन की बात करता है, समाज की बात करता है, विकास की बात करता है, और जो ऐसे विचारधारा लेकर चाहे वो कोई भी मीडिया के अंदर हो, चाहे वो कोई भी भारत के कोई भी अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर वो काम कर रहे हो, चाहे वो पत्रकार के अंदर हो, चाहे लॉ के अंदर हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे म्युनिसिपालिटी डिपार्टमेंट में हो, या भारत की कोई भी संस्थाओं के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट कीजिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए समर्थन कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और अपनी राय जो है वो राष्ट्र के सामने रखिए, तभी ये जो है राष्ट्र है वो हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकेंगे। जय हिंद।